हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड में इन दिनों दो सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनके सितारे बुलंदियों पर हैं। वो जिस भी तरह की फिल्में कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही हैं। जहां इस साल ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म भारत ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वहीं खिलाड़ी कुमार की इस साल अब तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। जहां एक तरफ केसरी ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वहीं मिशन मंगल ने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी। इसके अलावा दिवाली के मौके पर रिलीज हुई हाउसफुल 4 भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कारोबार करने में कामयाब हुई थी। ये साल सलमान और अक्षय दोनों के लिए ही शानदार साबित हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में इन दोनों ही स्टार्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। ये तो आप जानते ही हैं कि 20 दिसंबर को सलमान दबंग 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ सोनाक्षी, सई और किच्चा सुदीप भी अहम रोल में नजर आएंगे। वहीं दबंग 3 के एक हफ्ते बाद अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में अक्की के साथ करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी खास रोल में दिखाई देंगे। वहीं अब हर कोई यही सोच रहा है कि दबंग 3 वर्सेस गुड न्यूज में से किसकी जीत होगी। दरअसल पिछले साल दिसंबर के लास्ट में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, शाहरुख खान की जीरो और रणवीर सिंह की सिम्बा। इन दोनों ही फिल्मों में से जीरो को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में कहीं इस बार अक्षय की गुड न्यूज की वजह से दबंग 3 को नुकसान ना झेलना पड़ जाए। दरअसल एक मामले में अक्षय की गुड न्यूज ने रिलीज से पहले ही सलमान की दबंग 3 को मात दे डाली है। दरअसल दबंग 3 का ट्रेलर 23 अक्टूबर को रिलीज हुआ था और अब तक इस फिल्म के ट्रेलर को 54 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं गुड न्यूज का ट्रेलर 17 नवंबर को रिलीज हुआ था और इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 70 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसका मतलब ट्रेलर पर व्यूज के मामले में अक्षय कुमार की गुड न्यूज सलमान की दबंग 3 से काफी आगे निकल गई है। कहना गलत नहीं होगा कि अक्की की गुड न्यूज ने रिलीज से पहले ही दबंग 3 को पछाड़ दिया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करती है। वैसे आपको क्या लगता है, दबंग 3 और गुड न्यूज में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भले एक अंडरकवर कॉप है, एक पुलिस वाला है, लेकिन दोनों जाबाज हैं, दोनों देश के लिए करते हैं। तो स्क्रिप्ट वाइज और एक्शन वाइज ज्यादा डिफिकल्ट कौन है, चुलबुल पांडे या फिर टाइगर? ये सवाल मैं नहीं आपको दूंगा, ये सवाल आपको मिलेगा मेरे घुटनों से, मेरे पीठ से, मेरी गर्दन से, मेरी कोनियों से, मेरी पसलियों से। ये जवाब आपको वो देंगे कि दोनों ही बड़े कठिन हैं। One second, I'm just giving, yeah. Hi, Sai Tuna from Web Duniya. How are you? I'm good, how are you? आपको देख के अच्छा लग रहा है, you're looking very pretty. Thank you. क्या खाया आपने? ओके, आपसे ये जानना चाहूंगी, इसके पहले जब भी सलमान जी से आप मिलते थे, वो आपके घर पे सपोज आते थे, आप तो क्या नाम से पुकारते थे और क्या अब आपने उनको सलमान सर बोलना शुरू कर दिया है? मैं हमेशा से ही सलमान सर ही बुलाती थी उन्हें। और कितना कुछ चेंज आता है क्या जब आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस आती हैं, तो रिलेशनशिप में सीनियर्स के साथ जो आपके पिताजी के दोस्त रहे हैं? जी, इतना चेंज नहीं आता क्योंकि मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, तो हमारा रैपो वही है, लेकिन चेंज तो नहीं आता। हाय सलमान, यो यो आपके राइट में सुहेल, हाय, कांग्रेचुलेशंस टू यू अरबाज एंड द एंटायर टीम, द ट्रेलर इज सुपर्ब, लाइक एक्सीलेंट। यू लाइक इट? या डेफिनेटली। यू गाइस लाइक द ट्रेलर? हां, या कोई सवाल रिस्पांस दिए नहीं आप लोगों ने। सलमान, जैसे आपने कहा कि अरबाज नर्वस होते हैं, डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, लाइक थोड़े नर्वस थे दबंग के वक्त, बटरफ्लाई, पर आप भी इतने साल हो गए, पीपल आर रियली वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दिस फिल्म, तो नर्वसनेस आपको भी होता है? और या आप भी कितने ईगर हो इस फिल्म को लेकर? आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, आई एम वेटिंग फॉर द 20th ऑफ दिसंबर टू कम, एंड देन मोर देन दैट ऑल्सो के द फैंस हमारी इस फिल्म को कितना अप्रिशिएट करेगी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि बहुत मेहनत गई इस फिल्म के अंदर, बल्कि जितनी मेहनत टाइगर में गई थी और एक था, और जितनी भी जो पहली फिल्म में जो मैंने की है, उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत इस फिल्म में गई है। फ्रॉम द स्टोरी टू प्रोडक्शन टू डायरेक्शन टू एक्शन टू सॉन्ग्स
to the whole creative journey to everything is a lot of work that's gone in this film. Sunakshi, you are looking very, very beautiful. Yo, yeah. सुनाक्षी आपका एक डायलॉग था पहली फिल्म में थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से डर लगता तो इस तरह का कोई डायलॉग इस बार भी हमें कुछ यू नो एक सिग्नेचर जो स्टाइल है आपकी वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा बट जब आप फिल्म एक नहीं काफी है बट स्प्रेड आउट वेल स्प्रेड आउट थ्रू द फिल्म मेरी कंप्लेंट यही थी अरबाज भाई से और प्रभु सर किससे कि ट्रेलर में नहीं डाला इस बार बट आप फिल्म में देख लेंगे हाय सलमान सरिता से हियर आपको याद होगा जब दबंग नहीं आई थी ऑन अ लाइटर नोट दिस क्वेश्चन इज तब मैंने आपसे कहा था कि देश भर में जितने यूपी के पांडे पाठक मिश्रा द्विवेदी चतुर्वेदी सब लोग यहीं पे खड़े हैं हमारे साथ ही वो सारे लोग जो है वो अपनी बेटियों की शादी चुलबुल पांडे के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं और मुझे अब तक आपको वो एक्सप्रेशन याद है जो एक्सप्रेशन आपने दिया था चुलबुल पांडे की तो शादी हो चुकी है और उनकी सुपर सेक्सी मिसेस यहीं पे खड़ी हैं उनके बगल में जो कि अभी भी उनकी हबीबी हैं अब बाकी लोगों को पंडितों को क्या जवाब देंगे आप जो अपनी बेटियों का रिश्ता भेज रहे थे उनके लिए क्या जवाब है आपके पास आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए वो रिश्ते चुलबुल पांडे तो गए भाई गए सलमान खान अवेलेबल है थैंक यू स्टेट इन द मिडिल स्टोरी तो हमने काफी टाइम पहले ही लॉक कर दी थी बट आई वॉज डूइंग सम अदर फिल्म्स एंड देन वी वॉन्ट टू रियली क्रैक दिस वन और हमको हीरोइन नहीं मिल रही थी हीरोइन हमारी थोड़ी छोटी थी तो वी वेटेड फॉर हर टू ग्रो अप सलमान जी आपके लेफ्ट में सलमान जी यू नो मेरे लेफ्ट में सही मेरे राइट में सोनाक्षी ओके सो आपके ठीक सामने थोड़ा सा लेफ्ट यू नो सलमान जी आपके जो सबसे करीबी बॉडीगार्ड हैं शेरा जी हाल ही में उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन जय महाराष्ट्र हाँ सो आपके चुलबुल अंदाज में चुलबुल पांडे के अंदाज में कुछ आप विश करना चाहेंगे शेरा जी को अगर आप क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका विश हमारे वीडियो के लिए थोड़ा सा वो फुटेज मिल जाएगा आपको पता है वो मैं आपको क्लिपिंग बना के भेज दूंगा आप ही को क्यों सबको Rajjo is always kicking ass, bro. Yeah. I don't know what you're talking about. Yeah. But Rajjo hai dabang mein kyunki wo dabang khud hai. So don't worry, you'll see me doing so lots of stuff. There's a sequel of Akira coming, it's called Fakira. Salman. Hello. You're making it? Hello. Salman here. Salman, aapke left mein, saamne. Salman, with Dabang 3 also, aapne... Kahiye. Ladies first, bhai. और इंडस्ट्री में कम से कम गिनने जाएं तो शायद 50 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया होगा तो आप फिल्म इंडस्ट्री की मदर टेरेसा हैं क्योंकि आप बहुत लोगों का दुख उठा रहे हैं बहुत लोगों का घर बसा रहे हैं बोलिए बताइए ने ये काफी लोग मतलब जब भी कुछ भी ऑन करो तो आप मदर टेरेसा के रूप में सामने होते हैं आई थिंक गॉडफादर विल चूज एज अ बेटर नेम है ना मतलब रादर देन मदर टेरेसा सर नहीं क्योंकि सबका दुख उठा रहे हैं ना लाइक कितने लोग वीडियोस डालते हैं कि हमारा घर बसा दिया ये सवाल ये जो आपने पूछा है ये खुद में जवाब था और ऐसा बिल्कुल नहीं इससे बेटर सवाल मैं आपको देता हूँ इस वक्त जिससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ मैं आपको देता हूँ ये सवाल छोड़िए ये पूछिए आप मुझसे कि आप शादी कब करोगे अच्छा पहले आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज हेलो पहले इसका जवाब दे दीजिए ना मुझसे शादी करोगे क्या अच्छा
अच्छा आपका ना हुक स्टेप है लाइक सलमान जी आपका एक बहुत अच्छा फेमस स्टेप रहा है हमका पीनी है तो इसमें कोई नया स्टेप देखने को मिलेगा अभी टाइम है उसके लिए टाइम है अभी